अभी आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर 20 वीडियो अपलोड किए हैं और इन्हीं 20 वीडियो से मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया और अच्छा खासा मैं पैसा भी कमा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, YouTube पर आप लोग आ चुके हो या फिर आना चाहते हो और YouTube से बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो YouTube की एक क्राइटेरिया है जो आपको पूरा करना होता है। अगर वो क्राइटेरिया को आप पूरा नहीं करते हो तो आप 10, 20, 50, 100, 500 वीडियो तक भी डाल दोगे जब भी YouTube से एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमा पाओगे। तो वो क्राइटेरिया को आपको ज़रूर से फॉलो करना पड़ेगा, इवन आप कोई भी पैसा YouTube से नहीं कमा पाओगे। क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो बंदे ऑलरेडी YouTube पर काम कर रहे हैं उनको पता होगा 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम जब तक हमारे चैनल पर कंप्लीट नहीं होता है हम लोग चैनल से पैसा नहीं कमा सकते। और जो नए लोग आए हैं उनको मैं बता देता हूँ 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम क्या होता है, क्योंकि जो पुराने यूजर हैं जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर और जो पैसा भी कमा रहे हैं उनको ये सब पता है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम क्या होता है। लेकिन जो चीज़ मतलब जो बंदे नए आए हैं उनको नहीं पता है कि 1000 क्या होता है और जो वॉच टाइम क्या होता है। तो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उस पर नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप जैसे उस सब्सक्राइब के बटन को दबाओगे मेरा एक सब्सक्राइबर काउंट हो जाएगा। इसी तरीके से जब 1000 लोग आपके सब्सक्राइब बटन को टिक मतलब क्लिक कर देंगे तो आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये समझ गए होगा कि 1000 सब्सक्राइबर क्या होता है। अब बात कर लेते हैं 4000 घंटे का वॉच टाइम। मान लीजिए अगर आपने एक 10 मिनट की वीडियो अपलोड की और उस पर 100 व्यूज आ जाता है तो हमारा वॉच टाइम 1000 वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, मतलब 1000 मिनट वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम लोगों को 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। अगर 4000 घंटे को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 240000 मिनट हो जाता है, मतलब 240000 मिनट हो जाता है। अगर उसमें कन्वर्ट करेंगे अगर के में मतलब हज़ार में तो हो जाता है 4000 घंटे वॉच टाइम। इवन हमने आपको बता दिया कि 10 मिनट की वीडियो अगर आप अपलोड करते हो उस पर 100 लोग देख लेते हैं मतलब 100 व्यूज आ जाता है तो आपका हो जाता है 1000 घंटे, मतलब वो 1000 मिनट। और वहीं पर 4000 घंटे अगर कन्वर्ट करोगे आप मिनट में तो हो जाता है 244000 मिनट। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई 244000 अगर मिनट हमारा वीडियोस पे कंप्लीट हो जाता है तो 4000 घंटे में वो काउंट हो जाएगा और 4000 घंटे का वॉच टाइम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो दो क्राइटेरिया था YouTube का वो मैंने आपको बता दिया, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। इसके बाद क्या करता है YouTube हमारे चैनल को मोनेटाइज कर देता है। अभी आप साइट में देख पा रहे होगे जब हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तो कुछ इस तरीके का होता है, और इवन जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो कुछ इस तरीके का आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक हरे कलर का आपको डॉलर का सिंबल दिख रहा होगा, इससे ये पता चलता है कि हमारा चैनल ये मोनेटाइज है और इससे मैं पैसा भी कमा रहा हूँ। तो अभी आपके मन में एक डाउट और चल रहा होगा, भाई जब अब मतलब चैनल मोनेटाइज हो गया अब हम पैसा तो कमा सकते हैं लेकिन इस क्राइटेरिया को पूरा करने में कितना वीडियो डालना पड़ेगा। भाई 10 वीडियो, 50 वीडियो, 100 इवन 500 वीडियो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्राइटेरिया को कितनी वीडियो में कंप्लीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि मतलब आपको एक कार चलाना है तो आप बोलोगे भाई मैंने तो कार मतलब कभी चलाई नहीं है तो मैं कार कैसे चलाऊंगा। उसी तरीके से मैं बोलूंगा कि भाई जब तक आप सीखोगे नहीं जब तक आप खुद कुछ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि आपको जब तक सीखोगे नहीं मतलब टाइटल कैसे लगाना, थंबनेल कैसे लगाना या डिस्क्रिप्शन मुझे कैसे भरना है, जब तक आपको सही तरीका नहीं पता चलेगा कि मतलब मुझे वीडियो को कैसे अपलोड करना, कैसे वायरल कराना, जब तक आप ये नहीं कर सकते। इसलिए मैंने शुरू में भी बोला था कि आप 500 वीडियो भी डाल दोगे तब जाके आपका ग्रो होगा। इसलिए मैंने बोला था भाई आप 100-200 वीडियो से तो सीखते ही रहोगे कि भाई मैंने 100-200 वीडियो डाली, मैं इसमें क्या गलती कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या गलती कर रहा हूँ। और जो परफेक्ट बंदा होगा जिसने ऑलरेडी सब कुछ सीख रखा है, भाई यूट्यूब पर वीडियो कैसे डालते हैं, टाइटल इसका कैसे लगाते हैं, थंबनेल इसका कैसे लगाते हैं, इवन वो 50 वीडियो में ही अच्छी खासे पैसे कमाने लगेगा। और इससे भी ज़्यादा अगर आपने सीख रखा है तो आप 10 वीडियो से ही भी अर्निंग कर सकते हो, जिसका प्रूफ मैंने आपको मैं वही बताऊंगा आपको जो मैंने पहले आपको दिखाया, 20 वीडियो से ही चैनल भी मोनेटाइज हो गया और अर्निंग भी शुरू हो गई। इसलिए मैंने वो पोर्शन को शुरू में रखा ताकि आप मोटिवेट हो और यूट्यूब पर आओ। लेकिन यूट्यूब पर सीखना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप सीखोगे नहीं जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको एग्जांपल भी मैंने कार का दिया कि भाई कार जब तक नहीं चला सकते जब तक आप सीख नहीं सकते। तो इसलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस क्राइटेरिया को 10 दिन में पूरा करोगे या 20 दिन में पूरा करोगे या फिर 50 दिन में पूरा करोगे, मतलब 10 वीडियो से या 20 वीडियो से या फिर 50 वीडियो से, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, अगर आप एक न्यू हो बिल्कुल आपने इससे पहले कभी यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाली, आप कैसे पैसा कमा सकते हो, तो भाई आपको लगेगा टाइम मिनिमम 100 वीडियोस का, आपको यूट्यूब पर 100 वीडियो डालनी पड़ेगी, मतलब आपको 50 वीडियो तो ऐसी डालनी पड़ेगी जिससे आपको खुद से सीखना है, खुद से अपलोड करना है। लेकिन अगर बंदा अगर कुछ भी थोड़ा सा भी नॉलेज है, थोड़ा सा मतलब जानकार है, तो उसको लगेंगे मिनिमम 40 से 50 वीडियोस। और आपको अगर कुछ भी नहीं आता आप फिर भी यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो तो मिनिमम 100 वीडियोस आपको अपलोड करनी पड़ेगी यूट्यूब पर। इसके लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ 100 वीडियोस, आपको 10, 20, 50 वीडियोस में तो भाई सीखते ही सीखते निकल जाएगा कि भाई मुझे टाइटल कैसे लगाना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाना है, थंबनेल कैसे बनाना है या फिर
थंबनेल को मतलब ज़्यादा कैसे अट्रैक्टिव कर सकते हैं, वीडियोस को अपनी इंगेजिंग कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ सब आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आप जाकर मतलब ग्रो कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आपको सारा डाउट आज मैंने क्लियर कर दिया है। आप कभी मत मेरी वीडियोस में कमेंट करना कि भाई आखिर में यूट्यूब कितनी वीडियोस डालने के बाद हमें पैसा देता है। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।